वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि मुश्किल वक्त में सच्चा पड़ोसी ही सबसे पहले आपके काम आता है। ये बात श्रीलंका को अब समझ आने लगी है, तभी तो उसकी आर्थिक बदहाली की गवाह बनी। पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही है कि भारत कैसे आगे बढ़ के उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस मुश्किल वक्त में भारत मदद के लिए बड़े भाई की तरह श्रीलंका के लिए खड़ा हो चुका है। तभी तो श्रीलंका की आवाम ही नहीं बल्कि श्रीलंका की राजनीतिक हस्तियां भी खुले मन से भारत की तारीफ के पुल बांध रही है। कैसे, तो आइए वो भी आपको बताते हैं। श्रीलंका में आपातकाल है, राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, लोग दाने दाने को मोहताज हैं, दवा तक का संकट है। हालात ये हैं कि पैसों की तंगी से लोग जूझ रहे हैं। श्रीलंका में 60 लाख से ज्यादा की आबादी के सामने खाने का संकट पैदा हो गया है। अब आइए आपको बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे पड़ोसी धर्म निभाते हुए भारत ने श्रीलंका के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत ने श्रीलंका को कितना कर्ज दिया। दरअसल भारत ने अपने पड़ोसियों के लिए हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और खुलकर उनकी मदद की है। तभी तो इस साल के पहले चार महीने जनवरी से अप्रैल 2022 के बीच भारत ने श्रीलंका को करीब 37.69 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया। वहीं चीन से इस समय में श्रीलंका को 6.77 करोड़ डॉलर का कर्ज मिला। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत ने करीब 38 करोड़ डॉलर का कर्ज 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान दिया। भारत के बाद एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB करीब 35 करोड़ डॉलर के साथ श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा कर्जदाता है। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका भारत की इस मदद से अनजान हो। दरअसल श्रीलंका की आवाम हो या फिर श्रीलंका के राजनीतिक नुमाइंदे, वो भी भारत की इस दरिया दिली की तारीफ करते नहीं थक रहे। पिछले दिनों श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसेकारा ने कहा कि अभी तक भारत ही एकमात्र देश है जिसने इस संकट में श्रीलंका की मदद की। पहले कुछ महीनों में भारत से श्रीलंका को दिए जाने वाले कर्ज में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस साल के पहले चार महीनों में भारत ने श्रीलंका को सबसे ज्यादा कर्ज दिया है। इस मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। श्रीलंका को इस आर्थिक संकट में विदेशी कर्ज ने सबसे ज्यादा तबाह किया। पेट्रोल की बचत के लिए सरकार ने स्कूल और कॉलेज पहले से ही बंद कर दिए। वहीं सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए आदेश जारी कर दिए। इस पूरे संकट की शुरुआत विदेशी कर्ज के बोझ से ही बढ़ी। अब आपको बताते हैं कि कर्ज की किश्त चुकाते चुकाते श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार कैसे खत्म हो गया। इस पूरे संकट की शुरुआत विदेशी कर्ज के बोझ से ही हुई। कर्ज की किश्तें चुकाते चुकाते श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म हो चुका है। अब देखना ये होगा कि श्रीलंका इस संकट के दौर से कब और कैसे निकल पाता है। वैसे इतना जरूर है कि इस मुश्किल वक्त में भारत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिखाया, भारत का मुल्क ही बड़ा नहीं है बल्कि उसका दिल भी बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।